आगरा जनपद के डॉली ज़ा पब्लिक इंटर कॉलेज द्वारा आज इन्वेस्टिचर सेरेमनी का धूमधाम से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बी के मित्तल व गेस्ट ऑफ ऑनर डायरेक्टर मनीष कुमार मित्तल रहे। विद्यालय अध्यक्ष वी के मित्तल, रीना जालान, डॉक्टर स्वाति चंद्रा व साथ ही विद्यालय प्रधानाचार्य नूपुर सिंघल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि द्वारा फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में सभी नव निर्वाचित कैबिनेटों द्वारा परेड की गई व अपने दायित्वों की शपथ ली गई। विद्यालय द्वारा नव निर्वाचित हेड बॉय प्रज्वल कुमार शिवहरे, हेड गर्ल साक्षी अग्रवाल, डिसिप्लिन इंचार्ज कनक कुमारी लव वर्मा, इलेक्ट्रिसिटी हेड बॉय सौरभ गुप्ता आदि का चयन किया गया। सभी नव निर्वाचित कैबिनेटों को अतिथि द्वारा बैच प्रदान कर व स्कूल का फ्लैग देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रीय गान द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र कुमार मित्तल द्वारा बताया गया कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सभी छात्रों को इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। गेस्ट ऑफ ऑनर मनीष कुमार मित्तल द्वारा बताया गया, हम भारत के नागरिक हैं और हमें इस जिम्मेदारी का बखूबी एहसास होना चाहिए। कार्यक्रम में विद्यालय कोऑर्डिनेटर अलका श्रीवास्तव, शिखा धारा, आकांक्षा अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। सभी बंधुओं को नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हूँ, साथ ही चेयरमैन हूँ मित्र ग्रुप का, जिसके अंतर्गत डॉलीज पब्लिक इंटर कॉलेज, आगरा वनस्थली विद्यालय, किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल, AVMD इंस्टीट्यूट आदि संचालित है। बंधुओं, आज डॉलीज पब्लिक इंटर कॉलेज में इन्वेस्टर सेरेमनी के उपलक्ष्य में मुझे आमंत्रित किया गया और शिक्षक शिक्षिकाओं ने बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया। चारों हाउस के कैप्टन बनाए गए और साथ ही सभी बच्चों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई। बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए शपथ ली कि हम अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाएंगे। शिक्षक शिक्षिकाओं को भी जिम्मेदारी दी गई जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार करी। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती नूपुर सिंघल जी ने, दिशा जी ने, आकांक्षा जी ने, सभी स्टाफ ने इस कार्यक्रम में बहुत ही सहयोग किया। मैं इन छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जिस प्रकार ये यहाँ पर ये सीख रहे हैं इसको जीवन में डालेंगे, अनुशासन से हम इनका एक महत्वपूर्ण भाग है इसको ये सीखेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।